हेलो एवरीवन, आई एम अखिल। स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टेट जीरो पर, जहाँ आपको डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन होता है, साथ ही अन्य स्टेट एग्ज़ाम MP छत्तीसगढ़ तथा करंट अफेयर्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम UPSC SSC तथा अन्य बैंकिंग रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज है 10 जुलाई 2020 और आज के डेली करंट अफेयर्स के बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे आप नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.state0.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर हर लेक्चर की PDF प्राप्त कर सकते। लेट्स बिगिन। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते हैं। ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसके आंसर से शुरुआत करते हैं। रिसेंटली UK इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC हैज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ग्रुप। हाल ही में जयंत कृष्णा जी को UKIBC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली अमेरिका हैज ऑफिशियली अनाउंस टू सेपरेटेशन फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन 6 जुलाई 2021। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी WHO से अलग हो जाएंगे। AWHO इसका राइट आंसर है। WHO द्वारा COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने में विफलता और अनियमितता के आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी सरकार ने लगाए थे। इसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO से अलग होने का फैसला किया। इस घटनाक्रम की शुरुआत ताइवान की सरकार द्वारा भेजे एक ऑफिशियल लेटर से हुई। शुरू में क्या हुआ, ताइवान ने चाइना में COVID-19 जैसी कुछ महामारी फैलने की बात कही थी, लेकिन WHO ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस पर लगातार अनियमितताएँ WHO द्वारा फैलाई गई। WHO द्वारा कहा गया कि ये मैन टू मैन संक्रमण COVID-19 से नहीं फैल रहा। इसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO से अलग होने का फैसला किया। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। WHO के महानिदेशकों ने टेड्रोस एडहोनोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी एजुकेशन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी स्टूडेंट को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद वूम हैज BDL साइंड लाइसेंस एंड TOT एग्रीमेंट फॉर आकाश मिसाइल। हाल ही में BDL ने DRDO के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें आकाश मिसाइल के लाइसेंस तथा निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ADRDO। भारतीय डायनोमिक्स लिमिटेड और DRDO के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित तथा अन्य सभी आकाश मिसाइल से जुड़ी जानकारियां साझा की जाएंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। भारत डायनोमिक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मिश्रा। भारत डायनोमिक्स लिमिटेड का प्रधान कार्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्री का चौथा संस्करण आयोजित किया गया, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रिसेंटली द फोर्थ एडिशन ऑफ द वर्चुअल मिनिस्ट्री ऑन क्लाइमेट एक्शन वॉज हेल्ड इन विच इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड हु डिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय पर्यावरण मंत्री सी प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा कनाडा, चीन तथा यूरोपीय यूनियन द्वारा आयोजित एक वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक का प्रतिनिधित्व किया गया। ये भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी, जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया। इसमें पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें 2030 तक भारत को 40% का
कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी है, उस पर चर्चाएं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने COVID-19 परिस्थितियों के बीच में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बकरीद पर होने वाली बकरियों की ऑनलाइन बिक्री की जाएगी, जिससे COVID-19 संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिल सके तथा सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रखी जा सके। हाल ही में बांग्लादेश सरकार द्वारा डिजिटल हार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जिससे मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू WHO विच कंट्री हैज बीन कन्फर्म्ड एज द कंट्री टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स एंड मिजल्स बिफोर इट्स टारगेट। हाल ही में दो देश, मालदीव और श्रीलंका, दक्षिण एशियाई देश मालदीव और श्रीलंका ने अपने टारगेट से पहले ही WHO को स्मॉल पॉक्स पर विजय प्राप्त करने की और चेचक पर विजय प्राप्त करने की जानकारी दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सी, मालदीव और श्रीलंका दोनों। मालदीव और श्रीलंका ने 2023 के टारगेट से पहले ही चेचक और खसरे पर अपने लक्ष्य से पहले ही खत्म करने की पुष्टि कर दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों सगे भाई हैं, विशेष ध्यान रखिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो नहीं है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धन पूरा कोटे। और श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रुपया। अब मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद साले। मालदीव की मुद्रा मालदीवी रुपया। मालदीव की राजधानी क्या है? पुरुष। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट श्रीलंका की राजधानी थी, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम हैज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस साइंड एन एग्रीमेंट टू डू डाटा एक्सचेंज। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने सेबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें डाटा एक्सचेंज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सेबी। सेबी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों संगठन आपस में डेटा और सूचना आदान प्रदान करें। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन? प्रमोद चंद्र मोदी। और CBDT का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। सेबी के अध्यक्ष कौन? अजय त्यागी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर्स। तो हाल ही में COVID-19 महामारी के दौर में लाइफ इंश्योरेंस एक आवश्यक सेवा हो गई, जिसमें अपने ग्राहकों को आवश्यक सेवा लाइफ इंश्योरेंस प्रदान कवर प्रदान करने के लिए करूर वैश्य बैंक ने बजाज आलियन लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक एक तमिलनाडु का बैंक है, जिसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में। करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष कौन है? NS श्रीनाथ। बजाज आलियंस के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र। बजाज आलियंस के MD और CEO कौन है? तरुण चुग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू एक्सिलरेट पेमेंट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड
रिमिटेंस ऑफ कैश कैरिंग सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, थाली में SBM बैंक, ए SBM बैंक इसका राइट आंसर है। SBM बैंक ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें विदेश से पैसा प्राप्त करने के लिए मास्टर कार्ड की मदद ली जाए, जिससे तेजी से पैसा विदेश से प्राप्त किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए SBM बैंक। SBM बैंक और मास्टर कार्ड के साथ में इंटरनेशनल भुगतान प्रणाली के रूप में एक समझौता हुआ है। SBM बैंक के CEO कौन है? प्रावतनी वेंकटरवर राव जी। और SBM बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट लुइस मॉरिशस। मास्टर कार्ड के CEO कौन है? अजयपाल सिंह बागा। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक LNT इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड हाउ मैनी मिलियन डॉलर लोन टू हैज अनाउंस्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 50 मिलियन डॉलर। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने LNT को 50 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में पवन और सौर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। LNT फाइनेंस होल्डिंग के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? दीनानाथ दुबाशी जी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज सुशील गौड़ा रिसेंटली पोस्ट पास्ट अवे। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुशील गौड़ा जी का निधन हो गया, जिन्होंने अनेक फिल्मों में फिटनेस ट्रेनर के रूप में तथा अन्य भूमिकाओं में अपना जीवन निर्वाह किया। हाल ही में बॉलीवुड के एक कॉमेडियन जगदीप का भी हाल में निधन हो गया, जिनका मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, द ट्रेनिंग पीरियड फॉर फॉरेन एंड डोमेस्टिक कोचेज वो ट्रेन इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन सेशन स्पोर्ट्स पर्सन विल नाउ बी एज लॉन्ग एज द ईयर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड द डियांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। असम सरकार ने हाल ही में डियांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू गिव एज मच मनी टू इंडिया फॉर द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3023 करोड़ रुपये। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गंगा के द्वितीय बेसिन के लिए दूसरे बेसिन के लिए 3023 करोड़ रुपये भारत सरकार को लोन के रूप में मुहैया कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द हेड कोच ऑफ इंडियन एथलेटिक्स हु हैज टू विड्रॉल फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर 25 ईयर्स ड्यू टू अपर एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहादुर सिंह जी। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने। इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने। साथ ही इस क्वेश्चन के बारे में आप जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो के शुरू में हमने व्हाट्सएप नंबर आपको प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.state0.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही कोई क्यूरी हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।